हिंदू हित का काम करेगा, हर देश से राज करेगा। हिंदू हित का काम करेगा, हर देश से राज करेगा। हिंदू हित का काम करेगा, हर देश से राज करेगा। वर्ष वर्षर संघर्ष परे शताब्दी रे बाबर रो कुकृत्य रो चिन्ह को नष्ट करी भव्य राम मंदिर निर्माण रो रण भेरी बाजिला। देश स्वाधीन हेबा परे राम मंदिर निर्माण पाई बहु प्रयास हेला, किंतु क्षमतासीन कांग्रेस सर्वदा बाधा सृष्टि करितिला। कांग्रेस उपरे असंतुष्ट अनेक साधु संत 1984 मसीहा रे दिल्ली थारे धर्म संसदर आयोजन करितिले। धर्म संसद रे अयोध्या मथुरा और काशीधाम मुक्ति प्रस्ताव पास होइथिला। सीतामाता जन्मभूमि सीतामढ़ी ठारे 25 सेप्टेम्बर 1984 रे श्रीराम जानकी रथयात्रा आरंभ हेला ओ एहा द्वारा प्रभु श्रीरामंक प्रति जनतांक मनरे अधिक भक्तिभाव सृष्टि होइथिला। अक्टोबर 1985 रे कर्णाटक रे होइथिबा द्वितीय धर्म संसद रे साधु संत माने कांग्रेस सरकार को सीधा चेतावनी दे देले। 1 फरवरी 1986 रे फैजाबाद कोर्ट कांग्रेस सरकार को मनमानी को रोकी राम जन्मभूमि रो ताला खोलिबा को आदेश देथिले। जून 1989 रे हिमाचल प्रदेश रो पालमपुर ठारे होइथिबा अधिवेशन रे भाजपा प्रस्ताव प्रेरित करी अयोध्या रे राम मंदिर निर्माण करिवार संकल्प नेला, जहाँ परे 1990 रे बीजेपी आरंभ करिला सोमनाथ थारु अयोध्या पर्यंत रथयात्रा। एही रथयात्रा रो रणनीतिकार और रूपकार थिले वर्तमान रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नेतृत्व नेथिले वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी। ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? यात्रा रो मार्ग एवं कार्यक्रम रो सर्वप्रथम विवरणी मध्य पीएम मोदी 13 डिसेंबर 1990 रे देथिले। 23 अक्टूबर रे बिहार रो समस्तीपुर रे राम भक्तों को रथयात्रा रोकी दिया जायसिला, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाए एवं लालकृष्ण आडवाणी को लालू यादव गिरफ करिले। एवं 30 अक्टूबर रे राम भक्तों को सह जहां होइतिला ताहा थिला सारा भारत पाई एक लज्जार विषय।